तो वॉक के लिए काफ़ी बेहतरीन है। मैंने साइकिलिस्ट भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे देखी हैं। इतना एक्सपीरियंस नहीं था, यहाँ का एनवायरनमेंट, यहाँ के कल्चर, ट्रेडिशन, हर चीज़ डिफरेंट है यार। मैंने वहाँ पे पाकिस्तान में मेरा एक अच्छा 6 to 7 years का एक्सपीरियंस था। नेटवर्क इंजीनियरिंग और भी दूसरी IT फील्ड की जॉब अच्छी हैं, मार्केट अच्छी है एज कम्पेयर टू अदर यूरोपियन कंट्रीज। एक्सपीरियंस के हिसाब से भी ये डिपेंड करता है। अगर आपका अबव 5 years एक्सपीरियंस है तो आपको मोर देन 55 इस तरह की ऑफर्स आ सकती हैं। हेलो एवरीवन। अच्छा जी, आज मैं आया दोबारा से फ्राइबर्ग के अंदर। मेरे साथ है दानिश। दानिश भी कैसे हैं? आज हम जा रहे हैं जी स्विट्ज़रलैंड। दोनों मैरिड हैं, बगैर बेगमात के हम स्विट्ज़रलैंड जा रहे हैं। तो इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे बाद में आप? हैं दानिश भी, जल्दी प्लान बनाए। हाँ, ये अभी कुछ पता नहीं है किसी जगहों पर घूमना है। हाँ, जगह का जो है ना सरप्राइज रहेगा, लेकिन ये हम बता रहे हैं कि हम दोनों छेड़े घूम रहे हैं। वो भी स्विट्ज़रलैंड में। हम देखने जा रहे हैं कि कैसी जगह है ना। कल को हम जब अपनी वाइफ को साथ लेके आएंगे तो फिर हमें आसानी रहेगी ना, हम इस वजह से आ रहे हैं। तो आप भी, आपको भी आज दिखाएंगे हम कौन कौन सी हम जगह पे जा रहे हैं, क्या प्लान है हमारा। ऑब्जेक्टिव जो है वो यही है कि वाइफ को लेकर आना है। हाँ वही ना, लेकिन हम उससे पहले ज़रा देखना चाह रहे हैं कि कैसी कैसी जगह है, कहाँ कहाँ हमें घूमना है। तो काफ़ी इंशाल्लाह मज़ा आने वाला है। काफ़ी हमने जगह देख रखी है, ये सरप्राइज रखेंगे कहाँ पे हम जा रहे हैं, और शॉर्ट सा प्लान है हमारा। अच्छा जी, आज फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि हम पहले टाइम से पहुँचे हैं, घंटा पहले पहुँचे हैं। हमारी जो यहाँ से ट्रेन थी स्विट्ज़रलैंड के लिए वो थी 8 बजे, अभी हुए हैं जी 7, और सब शॉप्स यहाँ पे बंद हैं। ये फ्राइबर्ग का छोटा सा शहर है, काफ़ी खूबसूरत है सिटी जो है ना। दानिश भाई तो ऑलरेडी यहाँ पे रहते हैं, तो वॉक के लिए काफ़ी बेहतरीन है। मैंने साइकिलिस्ट भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे देखी हैं, लोग जो है ना साइकिल यहाँ पे चलाते हैं और यहाँ पे ज़रा घूमते फिरते हैं, उसके बाद हम ट्रेन पर गए अपना ना सफ़र स्टार्ट करते हैं। ये चेक करें जी, हमारे यहाँ जैसे बाइक्स की पार्किंग होती है, ये सब साइकिल की पार्किंग है। ये यहाँ से स्टार्ट हो रही है वो एंड तक। सामने भी चेक करें। हेलो एवरीवन जी, अस्सलाम वालेकुम दानिश भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। अच्छा दानिश भाई, क्विकली अपना इंट्रोडक्शन कराइएगा। यार मैं यहाँ पे फ्राइबर्ग में आया हूँ, मतलब 6 महीने हो गए हैं, ऑलमोस्ट 6 महीने से ज़्यादा ही हो गए बल्कि। और यहाँ ऐसा नेटवर्क इंजीनियर में जॉब कर रहा हूँ, और बहुत अच्छा सिटी है। मैं पहले मतलब साथ ही आए थे हम बर्लिन, और वो छोड़ के मैं आया हूँ, तो किसी ऑब्जेक्टिव के तहत आया हूँ। हाँ, तो ये काफ़ी वैसे बेहतरीन शहर है, काफ़ी साफ़ सुथरा भी मैंने देखा है सिटी है ये, और काफ़ी ज़्यादा साइकिलिस्ट भी हैं यहाँ पे, और पेडेस्ट्रियन के लिए काफ़ी फ्रेंडली सिटी है। अच्छा मुझे ना अपनी बैक जर्नी बताइएगा कि आप यहाँ पे कैसे आए थे। ये तो हम इकट्ठे ही आए हैं, लेकिन फिर भी बता दें आप कि आपकी जर्नी यहाँ पे कैसे स्टार्ट हुई, पाकिस्तान के अंदर आप क्या करते रहे पहले, अपना एक्सपीरियंस बताइएगा पाकिस्तान में। या पाकिस्तान में मैं वहाँ पे एक ऐसा नेटवर्किंग स्पेशली मैं जॉब करता रहा हूँ। अच्छा मतलब एक अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा। फिर मैं यहाँ पे पिछले साल आया था, बिल्कुल फेब में आया था, तो मतलब हमने यहाँ पे जॉब वगैरह सर्च करी थी, एक वहाँ से ही मुझे अच्छी फीडबैक मिल रही थी। मैं पहले से ही प्लान किया हुआ था कि मतलब जर्मनी जाना है या US जाना है, तो जर्मनी का फर्स्ट प्रायोरिटी पे था। सही तो है, तो हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। फिर यहाँ पर आए, हम साथ ही आए थे, जॉब सीकर वीज़ा के ऊपर आए थे हम। हाँ बिल्कुल। तो आपको जॉब ढूंढने में कितना टाइम लगा, क्या क्या डिफिकल्टी आ रही थी, ये क्विकली बताइएगा। यार इनिशियली जब मैं आया था यहाँ पे तो मतलब इतना एक्सपीरियंस नहीं था, यहाँ का एनवायरनमेंट, यहाँ के कल्चर, ट्रेडिशन, हर चीज़ डिफरेंट है। तो ऑल्दो कि मैंने कुछ होमवर्क किया हुआ था पाकिस्तान से बैठ कर भी, लेकिन यहाँ पे आने के बाद एक अलग आपको जो है एक्सपीरियंस मिलता है। तो यहाँ पर आए थे 1.5-2 महीना लगा था, अपनी CVs वगैरह अपडेट करी ये सब, तो मतलब काफ़ी चीज़ें डिफरेंट हैं यहाँ पे। अच्छा दानिश पे बताइएगा, क्योंकि आपका पाकिस्तान में कितना एक्सपीरियंस था, किस कंपनी में आपने काम किया हुआ था? यार मैंने वहाँ पे पाकिस्तान में मेरा एक अच्छा 6 to 7 years का एक्सपीरियंस था ऐसा नेटवर्क इंजीनियर, तो एक अच्छा प्रोफेशनल एक्सपीरियंस था। जब भी यहाँ पर आकर मुझे इनिशियली तो कुछ प्रॉब्लम्स हुई थी, लेकिन फिर मतलब एक पाकिस्तान का एक मतलब इतनी
वहाँ पे स्ट्रगल करके आता है बंदा, तो यहाँ पे वर्किंग एनवायरनमेंट में आपको इतनी मसले मसाइल नहीं होते ना। सही है। अच्छा, क्या क्या इनिशियली चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े थे, क्विकली बताइएगा। हाँ यार, वहाँ पे मेरे ख्याल में यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो मुझे शुरू में था वो कल्चरल डिफरेंस था ना, और इनिशियली हमें इतना पता नहीं होता और इतना आइडिया नहीं होता कि आप किस एनवायरनमेंट में जा रहे हैं, किस कल्चर में जा रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ के ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो आपको समझने में जो है ना थोड़ा सा टाइम लगता है, हफ्ता 10 दिन तो उसी में लग जाता है। सही। तो ये एक एग्ज़ाम्पल थी। तो और भी डिफरेंट चैलेंजेस हैं, वो हम फर्दर डिस्कस कर सकते हैं लेटर ऑन। लेकिन शुरू में मतलब ये कि जो हम जिस वीज़ा पे आए थे, जॉब सर्च वीज़ा पे, तो उस पर ये था कि हमें किस तरह से पाकिस्तान से बैठकर ही होमवर्क करना किस तरह करना चाहिए था, तो वो भी इसका आइडिया हुआ था। और लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पहले से ही तैयारी की हुई थी कि किस तरीके से अप्लाई करना है, जर्मन लैंग्वेज और CV वगैरह, ये सारी चीज़ ना बड़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अच्छा, यहाँ पे आने के बाद आपको कितना टाइम के बाद जॉब हो गई थी? या यहाँ पे आने के बाद मुझे 2 से 2.5 महीने पे जो है मेरी ऑफर आ गई थी। इनिशियली फर्स्ट मंथ जो है मैंने काफ़ी स्ट्रगल की थी, कोई मतलब बहुत ही कम इंटरव्यूज़ वगैरह दिए थे। लेकिन सेकंड मंथ मैंने कुछ अपने CVs वगैरह और कुछ चीज़ें अपडेट करी थी, उसके बाद जो है वो काफ़ी उससे जो है ना इम्प्रूवमेंट आई थी और मुझे काफ़ी मतलब ऑफर्स आने शुरू हो गई थी। और फिर इवन ये कि तीसरे और चौथे महीने पे मेरे पास 3 से 4 ऑफर्स थी, अच्छी ऑफर। अच्छा, माशाल्लाह जबरदस्त। हाँ अच्छा, यहाँ पे काफ़ी सारे लोग मैंने देखे हैं नेटवर्क इंजीनियर, वो कहते हैं यार कि मार्केट के अंदर जॉब नहीं है, जर्मन लैंग्वेज बहुत ज़्यादा मांगी जाती है। तो मेरे ख्याल में डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं इस बारे में। आपने ऑलरेडी थोड़ा सा जिक्र किया है कि आपको पहले इंटरव्यू नहीं आ रहे थे, बाद में आपने CV वगैरह अपडेट किया, प्रोफाइल अपडेट किया, तो इंटरव्यू भी आना शुरू हो गए। ओवरऑल जॉब मार्केट आप कैसी देखते हैं आपकी पर्टिकुलर डोमेन के अंदर, एज अ नेटवर्क इंजीनियर या आप जो भी इस फील्ड के अंदर आता है ना? यार यहाँ पे सिर्फ नेटवर्क इंजीनियर नहीं, और भी दूसरी IT फील्ड्स की जॉब अच्छी हैं, मार्केट अच्छी है एज़ कम्पेयर टू अदर यूरोपियन कंट्रीज़। जर्मन, क्योंकि जर्मनी एक सेंट्रल यूरोपियन कंट्री है, तो एक अच्छी मार्केट है, मैं ये कह सकता हूँ। लेकिन उसके लिए आपको तैयारी भी करनी पड़ती है। आप उस पर उसकी रिक्वायरमेंट पर अगर आप पूरा उतर गए तो आपने समझ लें कि मतलब बहुत ही फास्टर वे में आपको ना ये अपॉर्चुनिटीज़ ऑफर्स वगैरह आने शुरू हो जाती हैं। सही है। हाँ बिल्कुल। अच्छा, मुझे अब ये बताइएगा ये यहाँ पे तकरीबन एक एवरेज सैलरी क्या मिलती है नेटवर्क इंजीनियर की? आप लेट्स सपोज के भाई बंदे का 3 साल एक्सपीरियंस है, तो उसको यहाँ पे क्या उसकी स्टार्टिंग सैलरी जो मिले तो उसको एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए ऑफर? या इट्स डिपेंड ऑन आपके जो है ना जर्मन स्किल्स पे। जर्मन स्किल्स आपकी जितनी अच्छी होगी आपको उतनी ही लेवल की ना आपको मिलेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर फर्स्ट करें आप बिल्कुल इनिशियल इस पे A1 लेवल पे या A2 लेवल पे, और तो आपको एनुअल जो है वो 52 मैक्सिमम जो है वो आपको मिल सकती है। सही है। और हाँ, फिर एक्सपीरियंस के हिसाब से भी ये डिपेंड करता है। अगर आपका अबव 5 ईयर्स एक्सपीरियंस है तो आपको मोर देन 55 इस तरह की ऑफर्स आ सकती हैं। अगर आपने मतलब समझ लें B1 या B2 लेवल की आपकी जर्मन है तो फिर तो बहुत ही ज़बरदस्त है। सही है। अच्छा दानिश भाई, थोड़ा सा चैलेंजेस का ऑलरेडी हमने जिक्र किया है, अभी ये बताइएगा जो बंदा पाकिस्तान में बैठ गया उसके जहन में ये क्वेश्चन होते हैं कि जर्मन मार्केट के अंदर मैं जॉब अगर के लिए जाना है तो क्या क्या चीज़ें प्रिपेयर करनी है, कुछ क्विकली हमें चीज़ें बताइएगा। एज आपकी अपनी डोमेन के अंदर कोई बंदा आता है तो उसको क्या क्या चीज़ें पाकिस्तान से ही बैठ के तैयार होकर आनी पड़ेंगी, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उसको अगर जॉब सीकर के ऊपर आता है तो यहाँ पर आके देखनी पड़ेंगी? यार बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और जो भी यहाँ आना चाहते हैं ना मैं उसको ये कहूँगा कि सबसे जो आपका टाइम है, इम्पोर्टेंट टाइम है, वो पाकिस्तान में बैठ कर ही है। वहाँ से बैठ कर ही आपने जितनी जॉब्स वगैरह देखनी है, यहाँ की मार्केट देखनी है कि आपके मार्केट वैल्यू क्या है यहाँ पे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे ऐसा सिस्को स्पेशलिस्ट हूँ, और अगर फर्स्ट कहें आप किसी कंट्री मूव कर रहे हैं और वहाँ पे सिस्को की डिमांड नहीं है, 49 है या कोई दूसरी प्रोडक्ट जो है वो यूज़ हो रही है, तो आपको पहले से ही देख लेना चाहिए ना इस चीज़ को। सही है। दूसरा आपकी सर्टिफिकेशन हो गई, आपकी लैंग्वेज में आपको क्या क्या मतलब स्ट्रगल्स आ सकती हैं आपको, वो सब चीज़ें भी देखनी है।
और वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने जो है ना सीवी देखनी है। सीवी आपके हर मुल्क की जो है ना वो एक एचआर, हाँ स्टैंडर्ड अलग होता है। यहाँ पे एचआर किस तरीके से कौन सी सीवी को किस तरह से वो चेक करता है वो आपको ये चीज़ देखनी होगी। आपकी कंपनीज मतलब किस बैकग्राउंड में काम कर रही है ये चीज़ भी देखनी है। सही है। अच्छा आप ये सीवी की बात जब आपने की है, एक तो स्टैंडर्ड है, हम यूरो पास देख सकते हैं, नोवा सीवी है, तीन चार तरह के और प्लेटफॉर्म भी हैं वहाँ पे, सीवी फॉर्मेट तो बंदा बना ही सकता है। हाँ। अच्छा आप क्या रिकमेंड करते हैं कि एक ही सीवी हर जगह चल जाती है, या जैसे आपने बात की है कि कंपनी देखें किस चीज़ में काम कर रही है तो उसको थोड़ी बहुत स्पेसिफिक सीवी बनानी पड़ेगी, या कवर लेटर सिर्फ स्पेसिफिक बनाना चाहिए, क्या कहते हैं इस बारे में? जब आप जॉब अप्लाई करते हैं ना उस वक्त जब जॉब एडवर्टाइजमेंट आती है तो वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। आपने उसमें देखना है कि आप वो क्या डिमांड कर रहे हैं आपसे। तो इवन ये कि ऐसा भी होता था मैं कि हर 3 से 4 दिन पर सीवी अपडेट कर रहा होता था। इनिशियली जब मैं पहले महीने आया था तो मुझे बड़ी मतलब रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आ रहा था, तो वो उसकी वजह ये थी कि सीवी इतनी अच्छी नहीं बनी थी। उसके बाद एक ही सीवी हर जगह अप्लाई कर रहा था, वो अप्लाई कर रहा था और मतलब एक स्टैंडर्ड नहीं रखा हुआ था मैंने। फिर उसके बाद मैंने देखा कि कंपनीज क्या मांग रही है, उसके हिसाब से जो है वो फिर मैंने पूरे 2 से 3 दिन लगाए एक सीवी को, एक अच्छे क्वालिटी ऑफ सीवी कह सकते हैं उसको, तो वो मैंने बनाई। उसके बाद आप यकीन करें 1 महीने में ही मुझे ऐसा पॉजिटिव रिस्पांस आया। और हाँ ये कह सकता हूँ कि सीवी बहुत इंपॉर्टेंट जो है रोल अदा करती है जॉब। सही है। अच्छा दानिश भाई ये बताइएगा कि आपने जर्मनी को ही क्यों चूज़ किया? यार मैं जब पाकिस्तान में था तो मेरे कुछ टारगेट्स थे कि कनाडा हो, US हो, या फिर जर्मनी हो, कोई यूरोपियन कंट्री हो। इवन कुछ लोगों ने मुझे ऑस्ट्रेलिया का बोला, ऑस्ट्रेलिया मैंने चेक किया लेकिन वहाँ की मार्केट इतनी अच्छी नहीं है एज़ कम्पेयर टू यूरोपियन और US की ना। सही है। तो हाँ मतलब जर्मनी, फिर मैंने जर्मनी को चेक किया, वहाँ पे मेरी फील्ड की रिक्वायरमेंट क्या है ऐसा सिस्को नेटवर्क इंजीनियर, तो यहाँ एक बड़ी अच्छी मुझे क्वालिटी ऑफ मतलब प्रोज एंड कॉन क्या है, क्विकली ये बताइएगा प्रोज एंड कॉन क्या है यहाँ पे जर्मनी में आने के बाद? यार सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज है वो आपको लैंग्वेज बैरियर है यहाँ पे। लैंग्वेज अगर आपको आ गई तो इससे बेहतर मुल्क कोई भी नहीं है, इवन US भी नहीं है ये मैं कह सकता हूँ। क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो बहुत अच्छी है। वर्क कल्चर कैसा है यहाँ पे? वर्क कल्चर भी बहुत ही कूल है, हर चीज़ जो है वो मैनेज है, कोई ऐसा नहीं है। काम यहाँ पे ज़्यादा होता है लेकिन बहुत ही मैनेज तरीके से। ओवर टाइम तो नहीं होता? हाँ, जैसे पाकिस्तान में होता है अक्सर ओवर टाइम होता है। नहीं पाकिस्तान में तो बहुत ही डिफरेंट वो है, वहाँ पे काम कम होता है, वहाँ पे ये बंदूकें ज़्यादा चलती है तो ये यहाँ पे जो है मतलब काम बहुत अच्छे तरीके से मैनेज तरीके से करते हैं, काम ज़्यादा करते हैं। और बिल्कुल अगर आपके 40 आवर्स वीकली हैं तो 40 आवर्स ही देते हैं, कोई 41 या 42 कोई भी नहीं देता। सही है। तो हाँ एक्स्ट्रा काम नहीं आपसे करवाएंगे यहाँ पे। अच्छा दानिश भाई अभी आप कर रहे हैं जॉब फ्राइबर्ग के अंदर, फ्राइबर्ग कोई कंपैरेटिवली छोटा जो सिटी है ना, इससे पहले आप बर्लिन भी रहे हैं। हाँ। तो आप क्या रिकमेंड करते हैं जो नए लोग आ रहे हैं तो उनको किस सिटी को टारगेट करना चाहिए, क्या बड़े शहरों को टारगेट करना चाहिए या छोटे शहर के अंदर भी वो जॉब कर सकते हैं? या इनिशियली तो मैं रिकमेंड करूँगा कि बड़े सिटी में आए, अगर बर्लिन हो गया या म्यूनिख हो गया या फ्रैंकफर्ट हो गया। बट आगे के अगर आपको लॉन्ग टर्म की प्लानिंग है तो आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा मोर लोकल्स मतलब इसमें ना कल्चर में। तो मैंने बर्लिन में जॉब की है, एक अच्छा टाइम गुजारा है वहाँ पे, लेकिन मसला ये है कि वहाँ रह कर आपने कोई अपनी लैंग्वेज इंप्रूव नहीं कर सकते। आपको वहाँ पे भी रह कर जो है वो मतलब इंग्लिश में कम्युनिटी हो गया और इंटरनेशनल कम्युनिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, तो इंग्लिश में ही काम चल जाता है, इंग्लिश में काम चल जाता है। लेकिन मेरा ऑब्जेक्टिव ये था कि मुझे अपनी स्किल्स जो है वो इम्प्रूव करनी थी। और जब आप मोर लोकल्स में इन्वॉल्व होते हैं तो आपको उनके कल्चर और बहुत सी चीज़ों का ना पता चलता है, सीखने का मिलना। हाँ सीखने का। लेकिन इनिशियली आप ये कह रहे हैं कि बड़े शहरों में जाना चाहिए, अपॉर्चुनिटी भी ज़्यादा होंगी और बना ज़्यादा जल्दी उसमें ना। हाँ बिल्कुल, इनिशियली तो जाना चाहिए क्योंकि बर्लिन हो गया या फिर म्यूनिख हो गया, वहाँ पे कंपनीज जो है अच्छे हैं, सही है, बहुत बड़ी तादाद है। दानिश भाई आई गेस मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है ना क्लियर कर दिए हैं, थैंक यू सो मच आपने टाइम दिया। और लास्ट नोट के ऊपर आप कुछ मशवरा देना चाहते हैं? यार तो, मैं ये मशवरा देना चाहूँगा कि जो भी आना चाहता है यहाँ पे पहले से तैयारी कर ले, ठीक है, क्या करना है यहाँ पे आके वो आपने पहले से ही सोचनी है।
और यहाँ पे आके आपका फुल फोकस जो है वो जॉब पे ही होना चाहिए कि जॉब कैसे ढूंढनी है आपने, as possible जो है अगर आप जॉब सीकर के ऊपर आ रहे हैं, लेकिन अगर ऑलरेडी पाकिस्तान से अगर जॉब लेके आ रहे हैं तो ऑफ कोर्स आपके वो तो आपके चैलेंजेस होंगे, आपका अलग अगला टारगेट जो है वो लैंग्वेज को होना चाहिए, सही है। हाँ, तो ये मैं रिकमेंड करूँगा। थैंक यू सो मच जी वंस अगेन। आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब, मेरी वीडियो को कीजिएगा लाइक। आपसे मिलेंगे फिर नई वीडियो के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज़।